नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है। आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल अंचल में खासतौर पे ओलावृष्टि और बारिश देखने को मिली है। दर्शकों को बता दें कि मुरैना के कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई है, तेज आंधी के साथ ओले गिरे हैं। वहीं सरसों और गेहूं की फसल को भारी नुकसान इसकी वजह से होगा, ऐसा कयास लगाए जाने हैं। वहीं बारिश और ओलावृष्टि के चलते किसानों की चिंता बढ़ गई है। आपको बता दें कि चंबल के भी कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई है, ग्वालियर में भी बारिश दर्ज की गई है। ये भी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के चलते किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। हालांकि मोहन यादव सरकार ने प्रदेश में किसानों को हुए नुकसान का सर्वे करने के आदेश दिए हैं, लेकिन फिलहाल ओलावृष्टि और बारिश की वजह से चना और सरसों की जो खेती हुई है उसके जो किसान हैं उनके लिए मुश्किलें बड़ी है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में ओलावृष्टि और बारिश जो है वो दर्ज की गई है। वही आपको बता दें कि इससे पहले पिछले दिनों महाकौशल संभाग में ओलावृष्टि और बारिश से किसानों का काफी नुकसान हुआ था, और अब आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भी भारी बारिश और ओलावृष्टि के चलते किसानों को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में तमाम खबरों के बने रहिए एमपी तक के साथ।